People say I was a silent prime minister. I was never not the prime minister who was afraid of talking to the press. प्रधानमंत्री मोदी पर मीडिया से डरने का आरोप लगाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पीएम पर जबरदस्त कटाक्ष किया। कहा पीएम ने 7 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और साल 2019 के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने सिर्फ एक बार अमित शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, लेकिन इसमें भी उन्होंने किसी सवाल को स्वीकार नहीं किया और जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने अमित शाह की तरफ इशारा कर दिया। लेकिन आप लोग कमाल की बात यह देखिए कि मीडिया भी इतनी अनदेखी कर रही है कि गोदी मीडिया के संपादक उनसे बुरा मानने के बजाय उनके साथ सेल्फी लेते दिखाई दे रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया कि लोग मुझे साइलेंट प्रधानमंत्री बुलाते थे, लेकिन मैं ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था। मैं समय समय पर मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहता था। विदेशी दौरों पर जाने से पहले फ्लाइट में और विदेशी दौरों से आने के बाद भी मैं मीडिया के साथियों के सभी सवालों का जवाब देता था कि मेरा दौरा कितना सफल रहा है। वैसे मनमोहन सिंह का पीएम मोदी पर कटाक्ष कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी भारत के लोकतंत्र को दुनिया के लोकतंत्र की जननी बताते हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले मीडिया के सामने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से डरते हैं। आप लोग पीएम मोदी के 7 सालों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने पर और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा उठाए गए सवालों पर आपकी क्या सोच है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि देश और दुनिया की सारी खबर आप तक पहुंचाई जा सके।